इशारा कर चुके, मार्केटें भरी होती हैं, मर्द भी वही हैं, ख्वातीन भी वही हैं, कुछ ज़रूरत के लिए और कुछ बग़ैर ज़रूरत के। तो यहाँ पर ये अर्ज़ करूँ मैं कि अब मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि चांद रात के वाले से, क्या चांद रात को जिन लोगों का, कुछ लोगों का तो मकसद होता है चांद रात को बाज़ार जाना और कुछ लोगों का नहीं होता, वो ऐसे फजूल कामों के लिए जाते हैं, तो क्या चांद रात की भी फजीलत है? बहुत अहम सवाल किया, बहुत ज़रूरी सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया चांद रात के हवाले से। तो चांद रात में अल्लाह की बारगाह से ये शुक्राने की रात होती है कि अल्लाह करीम ने माह रमज़ान के बाद इबादत करने के बाद, वो फ़राइज़ बजा लाने के बाद, इनाम के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ईद उल फ़ितर की खुशियाँ अता फ़रमाई। अब इस रात में उमूमी तौर पर वही बात होती है जिसका आप इशारा कर चुके, मार्केटें भरी होती हैं, मर्द भी वही हैं, ख्वातीन भी वही हैं, कुछ ज़रूरत के लिए और कुछ बग़ैर ज़रूरत के। तो यहाँ पर ये अर्ज़ करूँ मैं कि अपनी ज़रूरतें पहले पूरी हो जानी चाहिए। इस रात का इंतज़ार करना कि चांद नज़र आएगा उसके बाद मार्केट में जाएँगे, ये बिल्कुल गलत बात है। एक इस्लामी मुआशरा, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि उसरा और बिलखसूस ख़वातीन को उस रात बाज़ार जाना, ये तो कहीं से कोई बात समझ नहीं आती। इस रात के बारे में हदीस मुबारका में ये आता है कि जिसने ईदैन की रातों को ज़िंदा रखा, ईदैन से मुराद दोनों ईदें हैं, हमारे उर्फ में बड़ी ईद कहा जाता है छोटी, ईद उल फितर और ईद उल अदहा। ईद सुबह अदा होनी है, उससे पहले जो रात है ये ईद वाली रात कहलाती है। हदीस मुबारका में आता है जिसने इन दोनों रातों को ज़िंदा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स के दिल को मुर्दा होने से बचाएगा, जब लोगों के दिल मुर्दा हो चुके होंगे अल्लाह इसके दिल को ज़िंदा रखेगा। और इस रात को लैलतुल जायज़ा कहा गया कि माह रमज़ान में जो कुछ एक मुसलमान ने किया वो जायज़ा ले, अपना एहतसाब करे खुद, अगर उसने अच्छा किया और वाकई अच्छा किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर उससे माह रमज़ान की अदायगी में, उसके फ़राइज़ में, अदब में, एहतराम में कहीं कोई कमी कोताही हो गई है तो फिर उस रात में अल्लाह की बारगाह से माफ़ी मांगे, ताकि ईद की हकीकी और सच्ची खुशियाँ ऐसे मुसलमान को नसीब हो सके। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक रहनुमाई हासिल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हर मुसलमान भाई तक पहुँच सके और वो भी इस वीडियो से रहनुमाई हासिल कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासिन को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।